हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज है अष्टमी और आपको भी हैप्पी अष्टमी। माता रानी आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखे। तो गाइस, इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और देखिए, ये मेरा मैंने कर ली है पूजा की पूरी तैयारी। ये अठावरी और ये सब निकाल के रख दिया है पूरा। और यहाँ पे देखिए, मेरा बेटा टिफ़िन साफ़ कर रहा है जो मैं कन्याओं के लिए लेके आई हूँ। तो इसमें मैं हलवा वगैरह डाल के तैयार करूँगी। तो ये मैं धो धा के साफ़ करवा रही थी, तो वही पूंछ वो सूखा, मतलब कपड़े से वो सूखा सूखा के रख रहा है उसको। और यहाँ पे देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है। और गाइस, यहाँ पे देखिए, ये मेरा बेटा बड़ा वाला ये बना रहा है वो, ये अशोका और गेंदे के फूल होते हैं ना, उसकी माला बना रही हूँ मैं। एक मेन गेट पे टांगूंगी और एक माता रानी के यहाँ पे जहाँ पे हम पूजा करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिफिन तैयार कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये चना वाला हलवा, चना हलवा है और नारियल है, बतासा वगैरह डाल दूंगी इसमें। पूरा प्रसाद तैयार कर दूंगी कन्याओं के लिए, क्योंकि मैं वैसे तो नहीं खिलाती हूँ ऐसे सब्जी वब्जी बनाई है मैंने, कुछ नहीं ऐसे ड्राई वाला मैं कर रही हूँ। बस मैंने हलवा चना बनाया है प्रसाद के तौर पे। बाकी मैंने फ्रूटी और फल और ये चिप्स वगैरह बच्चों के लिए तैयार किया है जो कन्याएं आएंगी। और गाइस, यहाँ पे देखिए, ये मैंने पूजा स्टार्ट कर दी अपनी। तो मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ, क्योंकि गाइस बहुत लंबी हो जा रही थी वीडियो। और सो गाइस, देखिए, यहाँ पे मेरी बहन का लड़का भी मेरी हेल्प करवा रहा है। और ये देखिए, दोनों बड़ा बेटा भी आ गया और छोटा वाला लेट रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो बीच बीच में लेट जाता है वो। तो बस हम पूजा कर लेंगे। और गाइस, अभी देखते हैं, टाइम बचता है तो मैं जाऊँगी बाहर कन्या को सामान देने। और अगर टाइम नहीं बचा तो घर पे ही बुलाएंगे, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है, तो उसी के हिसाब से देखते हैं। अभी पूजा में भी टाइम लगने वाला है, तो अगर टाइम बचा तो बाहर चल जाऊंगी मैं। मैंने प्लान तो यही किया था कि झुग्गी वाले बच्चों को, बच्चियों को मैं कन्याओं को दे के आऊँगी सामान, क्योंकि मैं अष्टमी पर मोस्टली खिलाती नहीं हूँ कन्या। ये तो मेरा, मैं नगरकोट की जात को गई थी, तो वहाँ से आके ना खिलाना होता है, तो मैंने नहीं खिला पाई थी तब, और इसलिए मैं अब खिला रही हूँ आज। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है, सारी तैयारी करके रखी हुई गाइस। देखिए, मेरी पूजा हो चुकी है फाइनली। मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती, और इसके बाद में बस कन्या आ जाएंगी। और ये देखिए गाइस, मैं पूजा से फ्री हो गई हूँ। मेरा बेटा गया कन्या ढूंढने, यहाँ की सोसाइटी में आज बहुत कन्या मिल जाएंगी, तो उन्हीं को मैं घर बुला के फटाफट कर देती हूँ, फिर मुझे निकलना भी है अपॉइंटमेंट पे। सो गाइस, देखिए, यहाँ पे आ चुकी हैं मेरी कंचिकाएं, और इनको मैं लगा रही हूँ तिलक। और तिलक लगाने के बाद में जो मैंने इनको चुन्नी तैयार करी थी, चुन्नी मैं सर से बांध दूंगी इनके। सो गाइस, देखिए, यहाँ पे मैंने जो टिफिन वाला प्रसाद तैयार करा था, चने हैं वाला, हलवा, नारियल वगैरह सब पैक कर दिया था इसी में, तो वो मैं इनको दे दूंगी। और फ्रूटी और चिप्स वगैरह दे दूंगी, फिर फ्रूट्स वगैरह दे दूंगी। गाइस देखिए, ये वाला सामान ऐसा है, ये बाद में भी खा सकते हैं। और आज ऐसा होता है ना, ये बिल्कुल खाना नहीं खाती, मतलब वेस्ट जाता है, थोड़ा सा भी खा के नहीं जाते तो अच्छा लगता है।
और ऐसे हम ड्राई वगैरह सामान ड्राई सामान देते हैं ना, तो उसमें क्या है बाद में भी खा सकते हैं, फ्रूटी और ये चिप्स वगैरह ये इंजॉय करके बाद में आराम से खाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं खा के जाते। इनका पेट भरा हुआ है, कुछ भी नहीं खाया इन्होंने, एक एक केला भी नहीं खाया अभी, इनको भूख ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने सोचा था ये ऐसा मैं सामान दूंगी जो काम आ जाए इनको। तो गाइस देखिए मेरे सामने वाली हैं, ये भी खिला रही है ना कन्या, तो इनको ये लेके जाएंगी मेरे बाद, और इनकी भी अपॉइंटमेंट है, तो हम दोनों ही जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो ये मेरी हेल्प करवा रही थी तो फटाफट यहाँ से हो जाए, तो ये लेके जाएंगी इनको फिर। और बस ये फ्रूट्स और रह गए मुझे इनको देना, सारी चीज़ें मैंने दे चुकी हूँ मैं, बस अब इनको फ्रूट्स डिवाइड कर दूंगी सारे लोग सारी कन्याओं को। और ये देखिए अपना थैले वैले में डाल डूल के पूरा भर के रखी हुई है, क्योंकि इनको भूख नहीं, आज बहुत ज़्यादा वो होता है ना अष्टमी नवमी में, तो एक ही जगह से खा के पेट भर लेती हैं, फिर कितना खाएंगे। तो इसलिए हम मैं सोचती हूँ ड्राई सामान ही देना चाहिए जो इनके काम आ जाए। सो गाइस देखिए फाइनली इन्होंने सब मेरा हो गया, मैं इनके पैर छू रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ इनसे। और गाइस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल पसंद आए तो। और यहाँ पे देखिए गाइस मेरे को ये सब आशीर्वाद दे रही हैं यहाँ पे देखिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। माता रानी आपका हमेशा खुश।